तो गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, वो आपके लिए काफ़ी हद तक यूजफुल है। तो चलिए थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि ये वीडियो आपके लिए खास क्यों है, क्या है इस वीडियो में जो आज हम आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो गाइस आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को भी मैसेज करने से कैसे रोक पाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, अगर आप चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी मैसेज ना कर पाए तो आप 100% उसे रोक पाएंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप 100% उसे रोक पाएंगे, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आसान तरीका से बताया, समझाया है। तो अगर ये सब आपको जानना है, सीखना है, तो बस आपको हमारे साथ इस वीडियो से बने रहना है, जुड़े रहना है, यानी बीच में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप बीच में वीडियो को बंद कर देते हैं तो हो सकता है आप समझ ना पाएं, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आप 100% समझ जाएंगे। और हमारे चैनल पर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमेशा अच्छा अच्छा चीज़ देखने को और सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे और बताते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप एडमिन हैं तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को भी मैसेज करने से कैसे रोक पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप में चलना है, तो चलिए हम अपने व्हाट्सएप में चलते हैं। और व्हाट्सएप में चलने से पहले अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना। गाइस क्या होता है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं। सो प्लीज़ यार, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना। तो सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है, और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद कुछ इस तरह इंटर पेज दिखेगा। अब गाइस आपको अपने उस वाले ग्रुप में चलना है जिस ग्रुप में आप चाहते हैं कि हमारे अलावा, हमारे सिवा कोई भी मैसेज उस ग्रुप में ना कर पाए। तो चलिए, जैसे ये हमारा ग्रुप है और हम चाहते हैं कि इस ग्रुप में हमारे अलावा कोई भी मैसेज ना कर पाए। गाइस क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप में अच्छा मैसेज करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप में गंदा मैसेज डाल देते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको अपने ग्रुप में चलना है, और उस ग्रुप में चलने के बाद कुछ इस तरह इंटरपेज ओपन होगा। आप गाइस यहाँ जो ऊपर 3 लकीर दिखाई दे रही है, वो 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं, और जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया इंटरपेज ओपन होगा जो इस प्रकार का होगा। अब गाइस फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है ग्रुप इन्फो, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद एक नया इंटरपेज ओपन होगा जो इस प्रकार का होगा। अब गाइस यहाँ जो लिखा हुआ है लास्ट में, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में यहाँ नीचे लिखा हुआ है ग्रुप सेटिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएगा। फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है एडिट ग्रुप, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है सेंड मैसेज, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, सेंड मैसेज ओनली एडमिन। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो गाइस कुछ इस तरह इंटरपेज ओपन होगा। अब गाइस आप फर्स्ट नंबर पर आप पे टिक होगा तो आपको सेकंड नंबर पे टिक कर देना है ओनली एडमिन्स, उसके बाद आपको ओके कर देना है। जब आप ओके कर देंगे तो गाइस इससे क्या होगा, अब आपके ग्रुप में केवल आप ही मैसेज कर पाएंगे, या फिर उस ग्रुप के जो लोग एडमिन हैं केवल उन्हीं लोग मैसेज कर पाएंगे, अदरवाइज कोई भी मैसेज नहीं कर पाएगा, केवल एडमिन लोग उस ग्रुप में मैसेज कर पाएंगे। तो गाइस ये फीचर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो जिनका व्हाट्सएप पर ग्रुप है। तो अगर इसके बारे में आपको पहले से पता हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप ज़रूर सीखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेज देना ताकि उनको भी पता चले व्हाट्सएप का ये फीचर। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना। और आपने हमारे साथ इस वीडियो से बने रहे, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।